हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है फिर हम जो है डायमेंशन ज्योमेट्री का चैप्टर जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, जैसे स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, अगर ये इस तरह, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक, इसका ये स्लोप बोलते हैं एम इक्वल टू टेन। अब अगर इस तरह का ये एम इक्वल टू, ये भी टेन थीटा होगा, ये भी टेन थीटा होगा। फर्क क्या है इसमें, टेन थीटा क्या होगा इज ग्रेटर देन इज, हेयर इज टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, हेयर इज टेन थीटा इज लेस देन जीरो। तो स्लोप इज द एंगल इक्वल टू, क्या आ गया, एंगल एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर इफ टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये कैसा होगा, एक्यूट एंगल, दिस इट मीन्स विल बी हेयर इट विल बी एक्यूट एंगल, हेयर इफ टेन थीटा इज लेस देन जीरो, हेयर इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, इफ इफ एंगल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो, तो एम इज इक्वल टू टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो। द लाइन पैरेलल टू y एक्स थीटा इज इक्वल टू 90, एम इज इक्वल टू टेन 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी अनंत। अगर एंगल 45 हो और 135 देन m विल बी टू माइनस वन, वन और माइनस वन, देन एम विल बी माइनस वन टू माइनस वन और माइनस वन। ठीक, अगर ये कोई अगर ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वह है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है, एक लाइन है, एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है, एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू y, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। अगर एक लाइन है इसके दो कोऑर्डिनेट दे रखे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, यानी अगर एंगल दे रखा तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर एंगल दे रखा है उसका आ जाएगा m इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो होगी टेन थीटा की, देन एंगल विल बी एक्यूट, इफ टेन थीटा इज लेस देन जीरो द एंगल विल बी टू द ऑब्ट्यूज, इफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एंगल, ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो देयर इज थीटा इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0 इफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एम इक्वल टू इनफिनिटी और 45 एंड और 135 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और माइनस के 1। अगर कोई अब मान लिया ये स्लोप ही है, मान लिया कोई लाइन दे रखी है, मान लिया कोई लाइन दे रखी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका क्या स्लोप होगा? एक कोई लाइन दे रखी है, इसका क्या है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका क्या स्लोप होगा? इसका स्लोप क्या होगा भाई? स्लोप ऑफ आई गिवन लाइन माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। अगर मान ले तीन पॉइंट हैं, ये एक ए है, एक बी है, एक सी है। If there are, we have given three points. Given तीन पॉइंट गिवन है A, B, C. For the condition they are collinear, they are collinear. For collinear condition क्या आएगी? इसका जो स्लोप है, किसका स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू slope of AB equal to slope of BC equal to slope of AC। If two, अगर मान लिया दो लाइन पैरेलल हैं, if two line are parallel then लिखेंगे if two lines are parallel then their slope will be equal। यानी अगर पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, hence if two line और परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन एम वन मल्टीप्लाई एम टू इक्वल टू माइनस वन। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। एम वन का प्रोडक्ट एम टू से माइनस में आएगा। अगर दो लाइन है, दो लाइन आएगा अगर पैरेलल हैं तो पहली के m1 है, दूसरे m2, तो m1 इक्वल टू m2। अगर पहली लाइन की पर m1 है, दूसरी लाइन m2 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस वन। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल आएगा, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या आएगा?
उनका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस के वन आएगा। अगर एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जैसे इस तरह क्या है ये, मान लिया ये एंगल L1 है, ये एंगल नहीं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, L1 लाइन एंगल थीटा बना रही है, L2 लाइन कैसे बना रही है थीटा, तो इनके जो तो बीच का जो एंगल बन रहा है तो मान लिया थीटा है, कितना है एंगल थीटा है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा किस तरह निकालते हैं, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लिया इसकी पहली लाइन की 4L1, 4L1, 4L लाइन, 4L1 क्या आ गया, M1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1, 4L2, M2 इज इक्वल टू टेन थीटा 2, इनके बीच का एंगल निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1, tan थीटा इक्वल टू M1 M2 अपॉन माइनस M1 अपॉन M2, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू ये आ जाएगा। अब क्या है इसमें, इफ अब इसका उल्टा है, इफ एल वन लाइन एंड एल टू आर पैरेलल, पैरेलल है तो क्या आएगा, एम वन इक्वल टू एम टू, एम वन इक्वल टू एम टू, यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू मल्टीप्लाई एम वन जीरो अपॉन वन प्लस एम वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन जीरो is implies that theta is equal to 0. If L1 and L2 are perpendicular, if L1 and L2 are if L1 and L2 are perpendicular है तो क्या आएगा, M1 अगर दो लाइन हैं उन्हीं उनके बीच है परपेंडिकुलर हैं तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या जाएगा 90, तो टेन 90 इक्वल टू
ये क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन डिवाइडेड बाई जीरो फॉर एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा ये वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू जीरो। एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन और ये क्या आ गया एम वन इज इक्वल टू एम टू, ये क्या आ गया एम वन एम टू। फॉर पैरेलल लाइन के लिए क्या आ गया एम वन इज इक्वल टू एम टू और एल वन एन टू आर पैरेलल के लिए एम वन इज इक्वल टू एम टू और परपेंडिकुलर के लिए क्या आ गया एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन या थीटा इज इक्वल टू नाइनटी, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया नाइनटी। अब अगर मान लिया ये कह दो मान लिया अगर एक लाइन है इफ ए गिवन लाइन इज एम, ए गिवन लाइन द स्लोप इज एम, देन देयर द स्लोप ऑफ देयर परपेंडिकुलर लाइन विल बी माइनस वन बाई एम। अगर कोई एक लाइन है उसका जो है परपेंडिकुलर उसके लाइन का स्लोप एम है तो उस गिवन लाइन का परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा माइनस वन बाई एम, एम का माइनस वन बाई एम होगा। द स्लोप ऑफ द एनी परपेंडिकुलर विल बी टू द रिवर्स एंड देयर साइन, रिवर्स साइन एंड रिवर्स वैल्यू, एम का क्या आएगा वन बाई एम और प्लस है तो माइनस का, ये इसका रिवर्स आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट टर्न पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इफ बी टू माइनस बी वन, बी थ्री माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए वन इज इक्वल टू जीरो, इफ बी टू माइनस बी वन ए टू माइनस ए वन ए टू है, देन प्रूव दैट द सर्कम सेंटर देन प्रूव दैट द सर्कम सेंटर देन प्रूव दैट द सर्कम सेंटर ऑफ ए of the triangle of a vertices, then find that, then find that the circumcenter of the triangle whose vertices is a1 b1 a2 b2 a3 b, क्या ये
गिवन है क्या गया, क्या गिवन है, बी टू माइनस बी वन प्लस इंटू बी थ्री माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए वन, इसको ये गिवन है, क्या गिवन है, बी टू माइनस बी वन बी थ्री माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो ये गिवन है, ये कोई माने कोई ट्रायंगल है, ये ए वन बी वन है, यो इसके कोऑर्डिनेट ए टू बी टू है, इसके कोऑर्डिनेट ए थ्री बी थ्री है, मान ली यहाँ कोई सर्कम सेंटर है, इस तरह का ये होके जा रहा है, यहाँ कोई सर्कम सेंटर है। अब क्या आ गया यहाँ से, बी टू माइनस बी वन बी थ्री माइनस बी वन इक्वल टू माइनस ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए वन, या बी टू माइनस बी वन ए थ्री माइनस बी वन अपॉन इक्वल टू क्या गया, बी टू माइनस बी वन अपॉन ए टू माइनस ए वन मल्टीप्लाई बी थ्री माइनस बी वन अपॉन ए थ्री माइनस ए वन, किसका आ गया स्लोप बी टू माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन स्लोप ऑफ ये आ गया, किसका स्लोप आ गया, ये स्लोप ऑफ ए बी, क्या आ गया स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का ये स्लोप आ गया, और इधर से ए थ्री माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए वन, हाँ बी थ्री माइनस बी वन क्या आ गया ए थ्री माइनस स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू माइनस के, ये देखो अब दो लाइनों का जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है, देन हैंस दे आर परपेंडिकुलर, हैंस दे आर परपेंडिकुलर, हैंस दे आर परपेंडिकुलर, बिकॉज टू लाइन्स आर टू लाइन टू स्लोप आर लाइन परपेंडिकुलर, देन हैंस दे टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, इफ वी हैव द राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर विल बी टू द मिड पॉइंट ऑफ द किसका मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो ट्रायंगल है एक राइट ट्रायंगल है, हैंस द सर्कम सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हैंस सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू, एक्स वन क्या है ए टू प्लस ये इसका आंसर है,
देखो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये दिए रखा है तो फाइंड द सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट बताना है क्या है वो ट्राइंगल, वो वर्टिसिटी, ये एक ट्राइंगल है इसके वर्टिसिटी। अब मैंने ये गिवन है ये बी टू माइनस बी वन बी थ्री, ये गिवन है ये, इसको मैं इधर लिया, ये इसके नीचे रख दिया, ये इसके नीचे रख दिया, ये माइनस वन आ गया, ये क्या आ गया, इससे बी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई स्लोप ऑफ दिस, इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस इफ द टू कोऑर्डिनेट आर गिवन, वी हैव ऑलरेडी स्टडी एट दिस। अभी आ गया स्लोप ऑफ बी सी, क्या आ गया स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये आ गया स्लोप ऑफ ए सी, इट मीन, इट मीन्स दैट द एंगल विल बी टू द 90 डिग्री, दैट एंगल विल बी टू द 90 डिग्री, एंगल क्या होगा इसका 90 डिग्री, दैट इट मीन्स इट विल बी द राइट ट्राइंगल, इफ वी हैव द राइट ट्राइंगल द, इफ वी हैव द राइट ट्राइंगल द सर्कम सेंटर विल बी टू द हाफ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाफ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस, एंड सो सो इट विल द, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले क्या होता है, कोऑर्डिनेट इज गिवन एक्स वन प्लस एक्स टू पॉइंट टू y1 प्लस वाई टू, हैंड द सर्कम सेंटर इज ए टू प्लस ए थ्री अपॉन टू, वाई क्या आएगा बी टू प्लस बी थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो है पोलर कोऑर्डिनेट, क्या है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर मान लिया ये कोई पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, लेट किस तरह का एक्स वाई है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा, एक्स वाई क्या आ गए, और क्या आ गया आर साइन थीटा। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो मुझे, ये एंगल इसका थीटा बना रहा है, ये एंगल कोऑर्डिनेट से जीरो बना रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट अगर आर थीटा हो गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स इक्वल टू आर थर्ड कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इन दोनों का क्या करूँ, इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, इन दोनों का क्या करें, स्क्वायर करके ऐड करके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर
इससे से डिवाइड कर दिया, tan theta is equal to y, theta is equal to tan inverse y upon x. ये क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू कोसेक थीटा ई की पावर आर कोस थीटा, आर इज इक्वल टू कोसेक थीटा ई की पावर आर कोस थीटा, ये क्वेश्चन ई की पावर आर कोस थीटा कन्वर्ट इनटू आर कोसेक थीटा ई की पावर आर कोसेक थीटा ई की पावर आर कोसेक थीटा इनटू कार्टीजियन इक्वेशन, इनटू कार्टीजियन इक्वेशन है, इसको चेंज करना है, क्या करना है, आर इज इक्वल टू कोसेक थीटा ई की पावर आर कोस थीटा, इसको जो है कार्टीजियन उसमें चेंज करना है, देखो भाई आर इक्वल टू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन साइन थीटा ई की पावर आर कोस थीटा, इधर की मल्टीप्लाई कर ली, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आर कोस थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ई आर को, आर कोस थीटा क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये जेड में चेंज आ जाएगी, y इज इक्वल टू ई की पावर x, देखो इसको लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा को y और आर कोस थीटा को x, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा इसको कह लें y r sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, आगे लोकस एंड इट्स इक्वेशन, लोकस एंड इट्स इक्वेशन, लेट एक क्यूब सर्कल है, फी इज द फिक्स पॉइंट
एंड पी इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ लेट सी इज द फिक्स्ड पॉइंट लेट लेट सी इज द फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी का फिक्स्ड पॉइंट है ए बी एंड पी इज द वेरिएबल पॉइंट सी द वेरिएबल इसका पॉइंट एक्स वाई particular path P moves in such a way that the every point CP will be constant. P इस path पे इस तरह घूमता है इसके हर point पे distance जो CP है वो क्या रहती है constant रहती है. तो CP क्या होती है इसकी constant क्या होती है R. Let that CP equal to R ये मान लिया constant है. अब इसकी सी पी क्या होगी डिस्टेंस बिटवीन क्योंकि आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू आर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू आर That is called to the equation of the locus. That is called to the locus equation of the locus. This figure which has the equation of the locus is x minus a ka square plus y minus b ka square is equal to r square. Locus and it is equation kya aaya? Let C is the fixed point. Let C is the fixed point on this figure AB and P is the variable point. Which move on this path in such a way that the every point that stand that the every point of CP is constant. Let is R. In this the CP की distance निकाल लिए क्या भी है इसमें. It means in this figure we have then the C is equal to the center. C is equal to the center. And CP is called radius. Radius is R. So that CP is called center. C is called center, and CP is called to the radius. And the locus of the equation is x minus a ka square plus y minus b ka square is equal to R square. Find the equation of the variable to find in generally to find the equation of the locus v h into k put into h into k in generally to find the locus of the equation v generally m ye term lete hain h ko h k यानी x by replace x by h
एंड वाई बाई के इन जनरली द रिप्लेस ऑफ द एक्स बाई एच एंड वाई बाई के इन जनरली द एच एक्स बाई एच एंड वाई बाई के लोकस ऑफ द इक्वेशन. जैसे फाइंड द लोकस ऑफ द जैसे क्वेश्चन है गया फाइंड फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन ये दो पॉइंट हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन वेयर टी बिलोंग्स टू आर. ये टी फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन. अब मैंने क्या बताया कि लोकस ऑफ द पॉइंट मान लिया एच इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन. ठीक और इसी तरह k स्क्वायर k इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन. इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या k माइनस h इक्वल टू ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है. सेकंड वाले बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसमें से क्या करा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया क्या आ गया जैसे के माइनस एच इससे जाएगा वन से बन जाएगा टी प्लस टी क्या आ गया टू टी. तो टू टी इक्वल टू के माइनस एच और टी इक्वल टू के माइनस एच टी इक्वल टू के माइनस एच. अब एच और एच की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ क्या आ गया के एच की वैल्यू के माइनस एच अपॉन टू. अब टी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो एच बराबर के माइनस एच अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस एच अपॉन टू प्लस वन. एच इक्वल टू के माइनस एच अपॉन टू अपॉन इसका याद और फिर इसमें वैल्यू रखूंगा मैं एच इक्वल टू क्या आ गया के इक्वल एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वन. एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स का वाई माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वन ये आ गया. ये इसकी इक्वेशन ऑफ द ये आ गई फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट.
या इक्वेशन अब है नया टॉपिक स्ट्रेट लाइन। अब क्या है स्ट्रेट लाइन, नया टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के सबसे पहले होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए लाइन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट फ्लो फॉर्म इन पॉइंट फ्लो फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट फ्लो फॉर्म इन पॉइंट फ्लो फॉर्म ये क्या आ गया ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ कोई एक्स वन वाई वन है और ये एंगल जो है थीटा बना रहा है। एंगल क्या बना रहा है उसका थीटा बना रहा है। एंगल क्या बना रहा है उसका थीटा बना रहा है। जब यहाँ थीटा है तो ये भी एंगल जो है ये भी एंगल से थीटा कोरस्पॉन्डिंग में एंगल ये भी थीटा बना रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ द पॉइंट इन द स्लोम स्लो फॉर्म के क्या क्या जाता है y1 y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको जब m को अगर एंगल थीटा दे रखा तो क्या जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। अगर इसके दो पॉइंट दे रखे हैं लाइन के और फिर इसका स्लोप दिया हुआ तो क्या जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म हो गई थी वैसे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्म की ये क्वेश्चन आ गई वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इधर ये क्या y माइनस वाई वन इक्वल टू ठीक है भैया इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन ये आ गया वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। अब इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ ए लाइन अब क्या है इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एम इक्वल टू जीरो। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस क्या आ गया एम इक्वल टू जीरो एम इक्वल टू जीरो आ गया। ये क्या आ गया वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस के एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू वन ये आ गया y इक्वल टू इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आएगा y इक्वल टू वाई। सिमिलरली इफ पैरेलल टू y एक्सिस क्या लिखेंगे सिमिलरली इफ पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सल इस पैरेलल टू एक्स बीम वी हैव x इक्वल टू x इस तरह की जो है हम जो है ये निकाल लेंगे।
अगर कोई मान लिया ये लाइन है, अब मान लिया ये कोई इक्वेशन है, मान लिया कोई इक्वेशन है, क्या है ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, इसका जो स्लोप है एम इक्वल टू या थीटा, इसका जो स्लोप है स्लोप ऑफ स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, इसको कोई परपेंडिकुलर खरीदा लाइन पैरेलल टू ए परपेंडिकुलर टू द गिवन, टू द गिवन लाइन, एक परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर लाइन, पर पेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन के गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगी है, इसके गिवन के परपेंडिकुलर लाइन क्या आ जाएगी है, अगर मान ली इसके पैरेलल के स्लोप क्या होगा, अगर पैरेलल लाइन स्लोप तो क्या आएगा इसके ए अपॉन बी, यही जुगत में रहेगा, अगर दो लाइन ना, एक लाइन है, एक लाइन ये है और इसके लाइन इसका स्लोप जाए माइनस ए अपॉन बी है, तो इसके पैरेलल लाइन जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी होगा, इसका मान ली गिवन लाइन है, ये तो एक गिवन लाइन है, ये तो गिवन लाइन, इसके जो पैरेलल लाइन है इसका भी स्लोप कितना होगा, पैरेलल लाइन स्लोप कितना होगा, ये इसका भी माइनस ए अपॉन बी होगा, माइनस ए अपॉन बी होगा, तो इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू द टू गिवन लाइन, टू गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन क्या जाएगी, इक्वेशन ये जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, अब अगर ये है अब परपेंडिकुलर के लिए, अब परपेंडिकुलर के लिए देखो, अब इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन तो दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप तो यही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ए अपॉन जी की बी की जगह आ जाएगा बी अपॉन ए, और इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी है, इसके कोफिशिएंट उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, देखो भाई अगर ये गिवन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसके इक्वेशन के पैरेलल में लाइन क्या जाती है ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि ये जुगे तुम सिर्फ क्या लगा दो प्लस लैम्डा जी, अच्छा अगर ये पॉइंट ये क्वेश्चन में परपेंडिकुलर में क्या आ जाती है, इनके कोफिशियंट चेंज कर दो एक्स का वाई, वाई के एक्स में, और इन दोनों के बीच जो साइन हो उसे भी चेंज कर दो, प्लस क्या है तो माइनस, माइनस क्या है तो प्लस, और प्लस लैम्डा निकाल दो, तो इसलिए इफ वी हैव एनी लाइन देन वी कैन फाइंड टू कोरस्पॉन्ड देयर पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, अगर कोई लाइन दी हुई है उसकी जो है उस पर जो है उसके पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन हम आसानी से निकाल सकते हैं।
जैसे अब क्या है, देखो अब क्या है, अब मान लिया कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट के इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, मान लिया एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, इसकी है एक्स वन वाई वन, ठीक। दूसरा पॉइंट है बी, एक्स टू वाई टू, एक पॉइंट कितना है एक्स वन वाई वन है, दूसरा पॉइंट कितना है एक्स टू वाई टू। ए कोई कंसीडर ए वेरिएबल लेट पी, ये कोई वेरिएबल है, कंसीडरिंग वेरिएबल पी दैट इज एक्स वाई, एक कोई पॉइंट है ए बी, एक कोई पॉइंट है ए, दूसरा क्या है बी, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाती है, इसकी इक्वेशन आती है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस के एक्स वन, ये आ जाती है इसकी इक्वेशन क्या आ जाती है वाई टू माइनस वाई वन, y2 क्या आ जाती है y2 टू माइनस वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। और अगर अगर ये पॉइंट ए बी टी, ए बी टी आर कोलिनियर, देन देयर डिटर्मिनेशन विल बी वैल्यू विल बी जीरो, जैसे एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन, देयर डिटर्मिनेशन देयर इफ ए बी पी आर कोलिनियर, देन ए बी पी आर कोलिनियर, देन ए बी पी आर कोलिनियर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट इक्वेशन, देखो भाई अगर मान लिया ये इसके कोऑर्डिनेट्स जीरो कोमा जीरो होंगे यूनिजन के, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कोमा जीरो, ए इंटरसेप्ट, ये है ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ भी इंटरसेप्ट होगा, ये है यहाँ का आपका ये बी है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो,
here A is the intercept of in the x axis and B is the intercept of on y axis, x upon A plus y upon B is equal to 0. अब क्या है, अब क्या फाइंड द इक्वेशन. अब जैसे एक है फाइंड द इक्वेशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू टू, फाइंड द इक्वेशन पासिंग लाइन टू टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पासिंग थ्रू द पॉइंट टू टू एंड कटिंग द इंटरसेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड कटिंग द इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस whose sum is 9. Find the equation of the passing through the point 22 and the cutting the intercept of the axis whose sum is 9. देखो भाई, अब intercept form है, मान ली intercept form, equation of the intercept form we know in equation of intercept form. क्या आती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू नो, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्ट फॉर्म इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. अच्छा ये कह दें होके जा रही, पास होके जा रही, इट इज पासिंग टू द 22, इट इज पासिंग टू द 22. अब क्या आया, पासिंग और एक क्या आ गया यहाँ पे, ए whose x sum is 9, यानी a plus b is equal to 9 है, 2a upon plus 2 upon b is equal to 9, और b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9 minus a, b की वैल्यू क्या आ गई 9 minus a, तो b की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, क्या आ जाएगा 2 upon a इन दोनों का LCM ले लूंगा मैं, क्या जगह 18
क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस नाइन ए क्या आ गया, सिक्स थ्री एटीन, सिक्स और थ्री इनके सोल्व करके आ गया ए इक्वल टू सिक्स एंड थ्री, ए इक्वल टू सिक्स एंड थ्री। तो ए इक्वल टू सिक्स एंड थ्री इफ ए इक्वल टू सिक्स देन बी इक्वल टू थ्री, इफ बी इक्वल टू थ्री ए इक्वल टू सिक्स। इसमें क्या फॉर्म आ गई, एक्स दो फॉर्म आ गई, क्या आ गई x अपॉन क्या देगा ये x अपॉन सिक्स प्लस y अपॉन थ्री, इसकी क्या फॉर्म रहेगी x अपॉन x अपॉन थ्री प्लस y अपॉन सिक्स इक्वल टू वन, ये दो फॉर्म आ गए, ये इनके सेट फॉर्म x अपॉन थ्री अपॉन y अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, इस तरह सिक्स ले गए एलसीएम ले गए टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, यहाँ क्या आ जाएगी x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, इस तरह से हम सोल्व भी कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, अब आई इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, देखो भाई क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट है मान लिया पी सेक अल्फा कोमा जीरो, इसके मतलब है जीरो कोमा पी कोसेक अल्फा, और इससे ये जो है ये लंब डाल लगे, ये ड्रॉन ए परपेंडिकुलर दैट इज पी, ड्रॉन ए परपेंडिकुलर दैट इज पी, और ये पी इसका क्यों क्या है पॉइंट पी है। इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन ए नॉर्मल फॉर्म, इन ए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगी, ये पी कोस अल्फा, अच्छा यहाँ पे वही आ जाएगी इंटरसेक्ट फॉर्म जैसी लग रही है, ये क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन पी सेक अल्फा प्लस वाई अपॉन पी कोसेक अल्फा इक्वल टू वन, ये क्या आ गया यहाँ से एक्स अपॉन पी कोसेक अल्फा का कोस अल्फा प्लस वाई अपॉन पी, ये क्या आ गया साइन अल्फा इक्वल टू वन, दोनों का एलसीएम ले लिया एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इक्वल टू वन है भाई, ये क्या आ जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हो गया। अगर कोई एक गिवन इक्वेशन है भाई, एक कोई इक्वेशन है उस पर नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या आ गई एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये आ गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।
पे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, या गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन, एक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से डिस्टेंस क्या हो, क्या होती है इसका? देखो मान लिया ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन है, और एक पॉइंट है पी, पी इज द पॉइंट वेयर इज कोऑर्डिनेट इज एक्स वन वाई वन, हूज डिस्टेंस इज, हूज डिस्टेंस इज डी, डी क्या होगा, डी क्या होगा, एक कोई लाइन है इस पी पॉइंट से, उसकी डिस्टेंस डी क्या होगी, किस लाइन की, इस लाइन की, गिवन लाइन की, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की क्या होगी, तो डी इक्वल टू x की एक एक्स एक्स वन और y की जगह y1 वन प्लस सी अपॉन x का कोऑर्डिनेट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और इसकी ये प्लस की वैल्यू। ये क्यों लगाया हमने मोड, ये इसलिए लगाया क्योंकि d d क्या है इसकी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी इन पॉजिटिव, इफ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, इफ वी हैव टू द साइन ऑफ डिस्टेंस इज माइनस माइनस, जैसे एच डी इज माइनस वाई देन माइनस विल बी नेगलेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो सो इट इज द मोड, तो डी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस डी वाई वन प्लस सी इक्वल टू क्या गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी भी चीज की, किसके पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, कल फिर आगे इसको नेक्स्ट इसको जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।